ये कहानी है सुमन कल्याणपुर की। ये कुदरत का करिश्मा ही था कि इनकी आवाज हूबहू लता जी से मिलती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन से ही इनकी आवाज लता जी से मिलती थी और इसलिए इनकी दशा हिंदी फिल्म संगीत में दो धारी चाकू की तरह रही है। अपनी अच्छी आवाज के बावजूद सुमन जी को फिल्मों में संगीतकारों ने अधिक अवसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनकी आवाज लता जी से मिलती थी। जब बाजार में ओरिजिनल आवाज उपलब्ध हो तो डुप्लीकेट को कोई क्यों मौका देने लगे। सुमन जी का फिल्मों में आगमन भी ऐसे दौर में हुआ था जब लता जी के खनकते कलदार सिक्के चलते थे। कोई संगीतकार लता जी के विरुद्ध सुमन जी से गवाने की हिमाकत कैसे कर सकता था, इसलिए सुमन जी चुपचाप हमेशा दूसरी कतार में खड़ी रहकर अपने नियति को दबे होठ ता उम्र स्वीकार करती रही। उन्हें लता जी का क्लोन बना दिया गया। एक समय एचएमबी ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट जारी किए थे। उनमें अधिकतर 7 गाने सुमन जी द्वारा गाए हुए थे। किशोर तलत, मन्ना डे, गीता दत्त, हेमंत कुमार सब उनके पीछे थे। कैसेट कवर पर सबके फोटो छापे गए, मगर सुमन जी का फोटो एक कैसेट पर भी नहीं था। यह कुछ उसी तरह की घटना है कि जायज टिकट के बावजूद बस कंडक्टर मुसाफिर को सरे राह बस से उतार देता है। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। सुमन जी के पार्श्व गायन के करियर में 70 के दशक में इन्हें थोड़े बहुत मौके तब मिले जब लता जी और रफी जी के बीच मनमुटाव हुआ गीतों की रॉयल्टी को लेकर। दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया था। सुमन जी को इस दशक में 170 फिल्मों में गाने का मौका मिला। इसी दौर में सुमन जी के उम्दा गीत सामने आए, जैसे दिल एक मंदिर है, अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, तुमने पुकारा और हम चले आए, अजहू ना आए बालमा, सावन बीता जाए, तथा आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। लेकिन बाद में रफी लता जी में समझौता होते ही पुरानी स्थिति लौट आई। और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं इनके निजी जीवन से। सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। पिता बैंक अधिकारी थे। 1943 में मुंबई आने पर पढ़ाई तथा संगीत का प्रशिक्षण यहीं लिया। अपने गुरु यशवंत देव से बाकायदा संगीत सीखा। इनके गुरु जी ने ही इन्हें मराठी फिल्म सुक्राची चांदनी में पहली बार गाना गवाया। किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। यह गाना फिल्म में शामिल ही नहीं हुआ, लेकिन संगीतकार मोहम्मद शफी ने सुमन को फिल्म मंगू में गाने के अवसर दिए। सन था 1954 और सुमन की उम्र थी 17 साल। किस्मत ने झपट्टा मारा। निर्माता ने संगीतकार को फिल्म के अधबीच में बदल दिया। उनके स्थान पर ओपी नैयर को रखा गया। ओपी को गीता दत्त, आशा भोसले तथा शमशाद की मोटी आवाज पसंद थी। उन्होंने सुमन जी का सिर्फ एक गीत फिल्म में रखा, कोई पुकारे धीरे से तुझे। इसी साल सुमन जी ने संगीतकार नौशाद के निर्देशन में फिल्म दरवाजा में 5 गीत गाकर अपना पैर मजबूती से जमाया। इस दौर में इनका नाम सुमन हेगड़ी था। मुंबई के व्यापारी रामानंद कल्याणपुर से शादी करने के बाद वह सुमन कल्याणपुर हो गई। यह बात नहीं है कि सुमन जी को अच्छे संगीतकारों की धुनों पर गाने का मौका नहीं मिला। हेमंत कुमार, रोशन, एसडी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, खयाम, चित्रगुप्त और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुरों के साथ अपने स्वर देने के मौके तो इन्हें कई बार मिले, लेकिन तमाम फिल्में बी तथा सी ग्रेड की होने से लोकप्रियता नहीं मिल सकी। आज भी सुमन जी द्वारा गाए हुए अनेक गाने जब टीवी या रेडियो पर बजते सुनाई देते हैं तो श्रोताओं को यही भ्रम होता है कि ये गाना लता जी का है।
एक पारखी श्रोता ही लता जी और सुमन जी की आवाज में अंतर पहचान पाता है। सुमन जी के अनेक प्राइवेट एल्बम भी जारी हुए हैं, विदेशों में कई कंसर्ट में भी शामिल हुई हैं। तानसेन अवार्ड, महाराष्ट्र गुजरात सरकार के अवार्ड के अलावा मध्य प्रदेश के लता अलंकरण अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है, लेकिन इन्हें वो शोहरत नहीं मिल पाई जिसकी ये असली हकदार है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी किस्मत। कभी कभी आपका टैलेंट भी आपके किस्मत के सिक्के को खोटा बना सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हो सके तो और लोगों से इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आगे भी हम ऐसे ही सिंगर्स की कहानी आप तक लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।